अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद रफीउद्दीन, एसआरके न्यूज चैनल की जानिब से आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज के अहम तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एसआरके न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। शहर हैदराबाद में कत्ल और गारतगरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हैदराबाद के इलाके जगतगिरी गुट्टा में एक और कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में नेहरू नगर दाऊद बस्ती में कुछ नामालूम अफराद की जानिब से 28 साल श्री हरि और मोहम्मद उस्मान नामी नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। श्री हरि को आज शाम कुछ नामालूम अफराद ने मौलिक हथियारों से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। नाजरीन, आपको याद होगा जगतगिरी गुट्टा नेहरू नगर दाऊद बस्ती में 5 माह कबल 30 साल मोहम्मद जावेद नामी नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई थी और इस कत्ल में श्री हरि भी मुलव्वस था। 5 माह कबल श्री हरि ने किसी का कत्ल कर दिया था और आज नामालूम अफराद की जानिब से श्री हरि का कत्ल कर दिया गया है। मुकामी लोगों ने फौरी इसकी इतला जगतगिरी गुट्टा पुलिस को दी। पुलिस बर वक्त क्लू टीम के हमरा मुकामी वारदात पर पहुंचकर तफ्तीश की और लाश को बगर से पोस्टमार्टम हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मजीद तहकीकात जारी है। आइए देखते हैं एसआरके न्यूज की ये खसूसी रिपोर्ट में मजीद तफसीलात। हर खबर से बाखबर रहने के लिए एसआरके न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करे, फेसबुक पर लाइक करे, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करे। ఈరోజు సుమారుగా సాయంత్రము 4:45 గట్ల ఫోన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం జరిగింది. దావద్ బస్తీలో ఒక వ్యక్తి చనిపోయినాడు అని చెప్పి, సో వాడికి ఇమీడియట్గా సీన్కి వచ్చి చూస్తే వ్యక్తిని ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు మర్డర్ చేసి కత్తులతో గాయపరిచి చంపి పడేసినట్టు కనిపిస్తున్నది. అతని పేరు శ్రీహరి అలియాస్ ఉస్మాన్. గతంలో కూడా ఒక కేసులో ఈయన మర్డర్ కేసులో జవన్గా ఉండి ఈయన జైలుకు రావడం జరిగింది.